नमस्कार। सबसे बड़ी खबर स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर। दिल्ली के जामिया मिल्ला इस्लामिया कैंपस में जहां छात्रों ने एनआरसी और कैब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अचानक मोदी सरकार की पुलिसों ने बच्चों पर कर दी लाठीचार्ज, जहां बुरी तरीके से पीटी और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, जहां पर आंसू गैस छोड़े गए और लगाए गए स्टूडेंटों पर आरोप कि बस पर लगाया गया और आग। देखिए इसकी हरकत, इस पुलिस वालों की देखिए किस तरह से पेट्रोल लेकर दौड़ रहा है, और उस वक्त बस पे जो मेन फंडा है आग लगाने की जो साजिश है वो किसका है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि दिल्ली पुलिस की इस शर्मनाक घटना से काफ़ी पूरे देश को हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। भले ही प्रशासन का काम है सुरक्षा प्रदान करना, अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिल्ली पुलिस की हरकत सामने आई है। एक तरफ लाठीचार्ज जामिया मिल्ला इस्लामिया के स्टूडेंट पर की जाती है, तो दूसरी तरफ बसों में आग लगा दी जाती है। यह है दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी घिनौनी हरकत। क्या ये दिल्ली पुलिस को इस तरह की हरकत करने में अच्छी लगती है? सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर। देखिए दिल्ली पुलिस की शर्मनाक घटना जो है सामने आई है, जबकि सिलेंडर से आग बुझाने के लिए उस आग को ऐसा स्पीड से लगाया कि जहां पर देखिए एक साइड से क्या लग रहा है आपको, पेट्रोल या कुछ का इस्तेमाल कर रहा है किया जा रहा है। ऐसे में लगी कैसे आग बस पर, इस में अब जो है जांच का विषय बन रहा है। इस पर प्रशासन को चाहिए कि जांच हो। दिल्ली पुलिस की इस हरकत से बड़े ही शर्मनाक घटना सामने आई है। लोग अपने तौर तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जामिया मिल्ला इस्लामिया के स्टूडेंट। हालांकि दिल्ली पुलिस की इस हरकत से लोग शर्मसार है कि दिल्ली पुलिस इस तरह की हरकत कर चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल पुलिस है और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जहां पुलिस की हरकतों से पूरा देश शर्मसार हो चुका है। ऐसे में इस पुलिस को देखकर आप भी सोचेंगे कि दिल्ली पुलिस की यह हरकत आखिर क्या कुछ कर रही है। भले दिल्ली पुलिस के तादाद बड़े हों, भले दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली पुलिस हो या चाहे बिहार की पुलिस हो, कहीं के पुलिस हो, लाठीचार्ज के मामले में सबसे आगे बढ़ जाते हैं, पर यह है कि प्रोटेस्ट जो लोग तरीके से करते हैं उसको करने नहीं दिया जाता है। अभी सत्तारूढ़ जो है सत्ता के पार्ट लालची लोग ये इस तरह की हरकत करवा रहे हैं पुलिस बल के द्वारा। आखिर जनता ने शांतिपूर्वक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस संविधान में जनता अपने हक की भी लड़ाई नहीं लड़ सकता? ऐसे में सबसे बड़ा राज खुला स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर। बने रहिए स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर। मैं संवाददाता मिन्हाज आलम, लगातार मैं अपडेट्स हर जगह से देता रहूँगा।